हाय एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज हम बात करेंगे एफकैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज, पैटर्न एंड टिप्स की। और इस वे में आप कभी भी एफकैट एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एफकैट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू सीडीएस। एंड एफकैट एग्जाम वो लोग देते हैं जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एस्पायरेंट होते हैं। एंड आप इससे किसी भी फील्ड को, टेक्निकल नॉन टेक्निकल किसी भी फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि एफकैट का एग्जामिनेशन ईजीएस्ट एग्जामिनेशन है सीडीएस से, अगर मैं सीडीएस से कंपेयर करूँ तो। क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या टिप्स होने चाहिए, कैसे आपके चांसेस मेरिट में आने के इंक्रीज होते हैं, इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। प्लस आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस तरह से हम स्टडी करें, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता हम शुरुआत कहाँ से करें। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी, आपका टाइम टेबल आप कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। एंड उसके बेसिस पे आप अपना लास्ट जो भी रिमेनिंग डेज है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस टाइम टेबल को आप एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं और शॉर्टर स्पैन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है आपके क्या फ्री या बिजी स्लॉट्स हैं। मैंने एक जनरल सा बना रखा है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप 170-175 के क्लोज जाते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कि आप फॉर श्योर मेरिट इन हैं। सो नॉर्मल जो कट ऑफ जाती है एफकैट की, वो जाती है 140-150 के आसपास जाती है। इसलिए आप कोशिश करें, आप टारगेट रखें कि 170-180 तक आपके जो है मार्क्स आएँ, और उसके बाद अश्योर हो जाइए कि अगर आपने एसएसबी के लिए अच्छे से तैयारी कर ली है और आपके रिटर्न में इतने मार्क्स हैं तो आपके मेरिट में आने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप 200 प्लस का एम रखिए, और जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए भी बता रही हूँ कि 170-175 का टारगेट इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस ये है कि आपको फिर एसएसबी में काफ़ी अच्छा स्कोर करना होता है। ऑलराइट, सो आज हम इसमें बात करेंगे कि एफकैट को हम इजी क्यों मानते हैं और क्या स्टडी प्लान होना चाहिए एंड कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफकैट में सीडीएस जैसे सीडीएस के एग्जामिनेशन होते हैं, हर एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर आता है, रीजनिंग का पेपर आता है, जीके का पेपर आता है, इंग्लिश का पेपर आता है, तो हर सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। एफकैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे आपको ओवरऑल मार्क्स देखे जाते हैं, ना कि कोई सेक्शनल कट ऑफ जाती है कि आपने रीजनिंग में कितना स्कोर करा, कितना मैथ्स में स्कोर करा, कितना इंग्लिश में, कितना जीके में। सो अगर आप चारों या पाँचों में से कोई भी अपने तीन सेक्शंस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि आप पेपर ईजिली क्वालिफाई कर लेंगे। वो डिविजन ऑफ मार्क्स आपको देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन अच्छा है, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। मैं बात कर रही थी स्टडी पैटर्न की। सो स्टडी पैटर्न में जैसे कि मैंने आपको बताया, डे वन, डे टू, डे थ्री के हिसाब से मैंने बना रखा है। अगर मैं एक वीक का, 7 दिन का एग्जाम्पल लेके चलूँ, सो डे 1, 2, 3 अगर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं। डे 1 से डे 3 तक आप एक सब्जेक्ट लीजिए, एक पेपर लीजिए, एंड उसको कैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वो मैं बता दूँ। डे 4, 5, 6 में आप दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, प्लस दोनों सब्जेक्ट जो भी आपने डे वन से थ्री तक और डे 4 से जो 6 तक पढ़ा है उसके मॉक टेस्ट आप जो है संडे को बैठ के अटेम्प्ट करिए। लास्ट कुछ दिनों में यही स्ट्रैटेजी काम आने वाली है एंड इसी तरह आप कैरी ऑन करेंगे। अब इस डे 1 से 3 के और मैं डिटेल्ड एनालिसिस करती हूँ। तो सबसे पहले डे 1 में आप क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में आप क्या करेंगे, कोई भी एग्जामिनेशन अब जितने भी क्लोज हैं अब आप उसके सैम्पल पेपर्स उठाइए, मॉडल पेपर्स उठाइए और पेपर एनालिसिस करिए कि देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस हैं, पेपर का डिटेल डिस्क्रिप्शन जानिए। उसके बाद डे 2 में आप उसको अकॉर्डिंगली स्टडी करिए। आपका जो भी सिलेबस है आपने देख लिया कि यहाँ इस सेक्शन से क्वेश्चंस आए हैं तो अकॉर्डिंगली आप मार्कडाउन करके उस एरिया को पढ़ाई कर सकते हैं। एंड डे 3 में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, यहाँ पे एफकैट की बात कर रही हूँ मैं, कि आपको तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, पेपर का पैटर्न और उसका टाइम मैनेजमेंट। तो आपको देखना होगा कि ये पेपर कितने आवर्स के ड्यूरेशन का है एंड इसमें कितना टाइम आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए। सेकंड, आपको इसमें देखना है कि 30-40% अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो वो आपको पूरे पेपर में 70-80% मार्क्स दिला देते हैं। तो आपको उन सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है कि जिनमें 30-40% अगर आप उन पेपर्स का सिलेबस कवर करते हैं तो वो आगे स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं, यानी वो आपको 70-80% चांसेस वो आपको दिला देते हैं कि आप भी पेपर क्लियर कर सके। उसके बाद आपको देखना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है उस सेक्शन का और आप कौन से सेक्शन में स्ट्रांग है, कौन से सेक्शन में
वीक हैं, अगर आप इन तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आई एम श्योर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में हर पेपर को क्वालिफाई करेंगे, सिर्फ एफकैट की ही नहीं। अब मैं पेपर का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने जा रही हूँ एफकैट एग्जामिनेशन के। जैसे कि आपको पता है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे आप फॉलो करेंगे। वर्बल एबिलिटी यानी इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 90 मार्क्स दिला सकते हैं। रीजनिंग मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के 35 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 105 मार्क्स दिला सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 45 मार्क्स दिलाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको 160 मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि आप इसमें कोई भी तीन सेक्शन चुन लीजिए। टोटल पेपर जो होता है वो होता है 300 मार्क्स का, हमने बात की है 170 या 75 के आसपास। ठीक है, प्लस 5 या 10 जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं आपका मेरिट इन के चांसेस होते हैं। आपको देखना है कि आप 170 या 180 की स्कोरिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश सेक्शन बहुत स्ट्रांग है तो 90 और 105, अगर ये आप दो सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका एफकैट का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर है। ठीक है, उसी तरह अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट है तो आप रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी लेके और कुछ जनरल अवेयरनेस के सेक्शन लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप वर्बल इंग्लिश में छोड़ दीजिए, ठीक है, या आप इंग्लिश के सेक्शन उठा सकते हैं और आप न्यूमेरिकल एबिलिटी उठा सकते हैं, मतलब जो जिसमें अच्छा है आप वहाँ से जा सकते हैं। और रीजनिंग में आई एम श्योर आधे मार्क्स तो आप इसके 105 या 50-60 मार्क्स तो आप रीजनिंग में लेके आ ही सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आपका कौन सा सेक्शन जो है बहुत अच्छा है। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपको जो है 3 मार्क्स अवार्ड मिलते हैं, इसीलिए टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की, यानी एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो -1 की मार्किंग जाएगी आपकी। और पेपर जो होता है वो आपका 2 घंटे का होता है यानी 120 मिनट का होता है। पहले पेन एंड पेपर मोड था, आजकल पेपर ऑनलाइन हो गया है। सो यहाँ से आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो मैंने आपको बताया कि किसके कितने क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्कोरिंग सेक्शन यहीं से आने वाला है। आपको कहाँ से 175 का सेक्शन जो है स्कोर करना है वो आपको यहीं से डिसाइड करना है। उसके बाद मैं बताती हूँ, अब हम आपको रीजनिंग का बताती हूँ डिटेल कि किस किस क्वेश्चंस कौन कौन से जगह से आते हैं, आप वो क्वेश्चंस जहाँ से स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल एबिलिटी के आपके ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि 21 मार्क्स कवर करते हैं। वेन डायग्राम के 4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 12 मार्क्स लेते हैं। डॉट प्रॉब्लम से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं 15 मार्क्स के। पिक्चर कंप्लीशन से 5 क्वेश्चंस आते हैं 15 मार्क्स के। ऑड वन आउट आते हैं 5 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके मिरर इमेजेस से आते हैं, डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज कंप्लीशन से आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग में भी कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको पुराने ईयर का पेपर दिखाने जा रही हूँ जहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस आए हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न में आए हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपका आ गया रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम, जहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा डायग्राम जो है बेस्ट रिलेशन डिक्टेट करता है बिटवीन डॉक्टर्स, ह्यूमन बीइंग्स एंड मैरिड पीपल। तो आप ये देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको वेन डायग्राम से मिलेंगे जो कि आपको इजिली 12 मार्क्स दिला सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अगेन जो है एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कि ट्रायलॉगी इज इक्वल टू नॉवेल, तो बाकी का रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। वाइफ इज इक्वल टू मैरिज और बाकी का रिलेशन, ऐसा सिमिलर रिलेशनशिप आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखिए उससे भी रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आ रखे हैं, यानी 10 से 15 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने बोला ऑड वन आउट के 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। अरावरी हिल्स, शिवालिक्स, मोल हिल्स एंड सतपुरा हिल्स, इन सब में आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। तो इस तरह से आपको पेपर का पैटर्न एनालिसिस करना है, इसलिए मैं आपको पुराने ईयर का जो पास्ट ईयर का पेपर है वो भी मैं दिखा दे रही हूँ, कि जो मैंने डिटेल्ड प्लान आपको बताया, जो मैंने डिवीजन बताया, सेम उसी पैटर्न में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए फिगर कंप्लीशन के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चंस हैं, तो ये सारा बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप, नेक्स्ट फिगर आपको बताना है कि कौन सा नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा। तो ये रिलेशनशिप सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं फिगर्स के फॉर्म में। ऑलराइट, 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे, यानी 15 मार्क्स आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आया है कि नेक्स्ट फिगर कौन होगा,
डिपेंडिंग अपॉन पहले के रिलेशनशिप आपको आगे का डिसाइड करना है, तो ये भी फिगर कंप्लीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपको आगे 4 से 5 क्वेश्चंस यानी 15 मार्क्स आपको 12 से 15 मार्क्स दे सकता है। उसके बाद देखिए सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, ये भी 4 से 5 हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन सा फिगर दूसरे से अलग है, ठीक है, यानी ऑड वन आउट इसमें भी आपको बताना है, जो कि फिगर्स के फॉर्म में पूछा गया है। एक मैंने आपको वर्बल फॉर्म में बता दिया था, सो जो भी मैंने डिविजन आपको बताया आपने देखा सेम उसी डिविजन पर जो है वो पेपर का फॉर्मेट था। अब रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं, सबसे पहले तो हर एग्जामिनेशन हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपका कूल माइंड होना चाहिए। आपको पता है आपका स्कोरिंग सेक्शन क्या है, तो इस अकॉर्डिंग आप उस सेक्शन को, जैसे कोई फिगर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है, कोई वेन डायग्राम बहुत जल्दी सॉल्व करता है, सो उस अकॉर्डिंग आप डिस्कस कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन जो है सबसे पहले अप्रोच करना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, जिन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप वहाँ पर जाके जो है डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारे पेपर्स जो हैं मटेरियल्स वो मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि आपका स्कोरिंग सेक्शन क्या है एंड आप कितना टाइम ले रहे हैं पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप रीजनिंग सेक्शन के साथ स्टार्ट करें, बिकॉज रीजनिंग के मार्क्स भी ज़्यादा हैं एंड सॉल्व करने में भी किसी को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, बिकॉज ऐसे एग्जामिनेशन हम देते रहते हैं सो हमारे प्रैक्टिस में होता है। अब बात करते हो इंग्लिश की, इंग्लिश में आप देखिए पैसेज आता है उसमें 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं तो 12 मार्क्स के आपके ये हो जाते हैं। idiom phrases होते हैं जो 5 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के आपके हो जाते हैं। synonyms and antonyms के 8 क्वेश्चन होते हैं 24 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। 4 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर्स के होते हैं 16 मार्क्स आपको यहाँ मिल सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस के। क्लोज टेस्ट आते हैं 5 क्वेश्चंस 15 मार्क्स आपको यहाँ मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत रेयर आता है, ऑड वन आउट भी रेयर होता है, एरर रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसका भी मैं आपको पास्ट ईयर का पेपर दिखाती हूँ जो मैंने बोला, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये पैराग्राफ है, 3 क्वेश्चंस आपको ये मिल गए, तो ये बेस्ट इंग्लिश में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन ये होता है जहाँ पे आपको पैराग्राफ में से आंसर्स निकालने होते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है और आपको जो क्लोजेस्ट है वो आपको यहाँ पे क्लोज टेस्ट है वो आपको कौन सा सूटेबल वर्ड है वो आपको इन ब्लैंक्स में फिलअप करना पड़ेगा पैराग्राफ। सो ये भी अगेन स्कोरिंग सेक्शन होता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है एंटोनिम सिनोनिम्स आए, 3 से 4-5 आते हैं, अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आपका एज सच कोई लॉस नहीं होने वाला, एक आध तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि फ्रेजेस को आपको डिफाइन करना है, ऑल राइट, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको फ्रेज रिलेटेड यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद आप ये देखिए नीचे लास्ट में कि स्पेलिंग रॉन्ग एरर रिलेटेड क्वेश्चंस है, 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ये मिल जाते हैं जो कि मैं पास्ट ईयर का पेपर आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए ठीक है करेक्टली स्पेलवर्स 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल गए। उसके बाद देखिए कि ईडियम्स हैं इनके मीनिंग्स आपको बताने, तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ये मिल गए। तो ये देखिए कि ये है पेपर का पैटर्न, तो आपको बस स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। इंग्लिश के लिए भी सेम चीज़ है, जो सेक्शंस आपने देख लिए, अब आपको क्या लगता है किसी का ईडियम बहुत अच्छा है, किसी का फ्रेजेस अच्छा है, किसी का क्लॉज टेस्ट अच्छा है, पैराग्राफ तो सबके लिए ईजी होगा, तो आप देखिए कि आप क्या सॉल्व कर सकते हैं। और एफकैट में तो ऐसा हुआ है कि कभी कभी प्रीवियस ईयर्स के ही कुछ क्वेश्चंस उठ के आ गए हैं एंड पैराग्राफ्स भी सेम हैं, तो आप पुराने मॉडल टेस्ट पेपर्स सॉल्व करिए, हमारा ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप पर्सनली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं हमें, ठीक है। और अगर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर इंग्लिश में थोड़ा सा, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स है तो आपको वो भी देखना है कि आपको तुक्का लगाना है लेकिन गलत भी नहीं, तो अगर आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स अगर आप छोड़ देते हैं, 8 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो 24 मार्क्स मुझे नहीं लगता 300 में 24 मार्क्स मैटर करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब मैथ्स से रिलेटेड आपको सारे एरिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में आपको पूरा बता दिया जाएगा, बट पूरा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कौन से स्पेसिफिक एरिया से क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं ट्रेन के, रेशियो के, एवरेज प्रॉफिट लॉस के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, परसेंटेज के, टाइम एंड वर्क के, बोर्ड स्ट्रीम के और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, आपको इनके फॉर्मूलाज देखने होंगे। क्वेश्चंस देखिए आप प्रीवियस ईयर्स के, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन आया कि ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर्स अ प्लेटफॉर्म 200 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकंड्स एंड टेलीग्राफ पोस्ट इन 5 सेकंड्स, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, यानी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। उसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस रिलेटेड, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20% ड्यू टू फेस्टिव सीजन, बाय व्हाट परसेंटेज फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड आ गया। टाइम एंड वर्क रिलेटेड देखिए, द एवरेज वेट ऑफ 5 मैन इज इंक्रीज बाय 2 kg वैन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 60 kg इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मैन, द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, तो ये देखिए
टाइम एंड वर्क रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो आप देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो हमने बताया था कि जो जो सेक्शन से पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, इन्हीं में से अगर आप एक भी देख सकते हैं ट्रेन रिलेटेड, प्रॉफिट रिलेटेड या कुछ भी, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब अगर मैं मैथ्स के टिप की बात बता दूं तो अगेन सेम चीज़ है, आपको बहुत ही कूल माइंड के साथ प्रैक्टिस करना है। आपको पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो मैंने सेक्शंस बताए सिर्फ उन्हीं सेक्शन से रिलेटेड जो हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप उस एरिया से रिलेटेड बिल्कुल फोकस्ड उन्हीं सेक्शंस पे करिए। जैसे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस आप देख भी चुके हैं, मैंने बता भी दिया कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो आप वैसे क्वेश्चंस पढ़ के वैसे उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर किसी को जैसे मैथ्स में बहुत लोगों को फोबिया होता है, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो स्पेसिफिकली डरते हैं, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पाते, मेक श्योर आप बाकी तीन सेक्शंस में यू रॉक एंड आप अपना पेपर जो है एफकैट का वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको जीके सेक्शन की बात। जीके सेक्शन में कुछ सेट स्टैटिक सेक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कप्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड इसमें अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड पूछा जाता है, डेज एंड थीम्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इंपॉर्टेंट कोई डेट्स हो गई हैं, डांस फॉर्म्स हो गए हैं, डिफेंस रिलेटेड एप्टीट्यूड, या मिडिवल हिस्ट्री और रूलर डायनेस्टी से रिलेटेड सल्तनेट्स के ऊपर इसमें क्वेश्चंस आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रायर ऑल्सो एंड लेटेस्ट ऑल्सो। उसके अलावा करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूँ सेक्शंस की, तो लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स सेक्शंस आते हैं। सो यूजुअली तो हम करंट अफेयर सेक्शन में आई थिंक 3 से 4 क्वेश्चंस अगर हम भी आंसर कर देते हैं वो से वर्स्ट फॉर्म में, तो भी मैंने बोला कि अगर जिसका जो भी सेक्शन स्ट्रांग है, अपार्ट फ्रॉम दैट जिसका जो सेक्शन वीक है उसको छोड़ के बाकी के 3 सेक्शंस को स्ट्रांग रखें, क्योंकि बेनिफिट इस एग्जाम का यही है कि इसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ऑलराइट, आप इसमें देखिए प्रीवियस ईयर का अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो अगर आप इसमें देखिए एक सल्तनत रिलेटेड क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें क्या बनवाया था, सिरी फोर्ट, हौज अलाई, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन या जमानत खाना मस्जिद। ऑलराइट, एक क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद आप देखिए इसमें डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इज अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया, ये एक क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद लेटेस्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एडजस्ट एट द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द 17 एशियन गेम्स हेल्ड एट इनको इन साउथ कोरिया। ऑलराइट, पॉलिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, ऑपोजिशन पार्टी स्टेटस इज अकॉर्डेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी इन लोकसभा ओनली इफ इट कैप्चर्स। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बाकी मेरे पास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफेंस रिलेटेड, ओनली स्पेसिफिक डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स जो कि आपको पढ़ना, जिसमें से आपको क्वेश्चंस एफकैट में चांसेस हैं पूछे जाने के, वो जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक के मैं एक सारे क्वेश्चंस बताऊंगी। सो स्टे ट्यून टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। बाकी आप देखिए प्रीवियस ईयर्स के मैंने यही बोला कि जीके सेक्शन के क्वेश्चंस है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड आप ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपका नेशनल पार्क देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसमें। उसके बाद द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी सेल्स इज कॉल्ड, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल, तो डिफेंस एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हैं। अब हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट होता है कि हम स्टैटिक मटेरियल बहुत सर्च करते हैं, स्पेसिफिकली डिफेंस एस्पायरेंस के लिए एक स्टैटिक जीके से रिलेटेड मैंने बुक प्रिपेयर की है, ई बुक है, नॉमिनल रेट्स पे आप उनको परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा कंपाइल्ड अप फॉर्म में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व हो, बुक्स एंड ऑथर्स हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो, कोई भी फील्ड हो, लास्ट ईयर्स, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स के बिहाफ पे उन कंपाइलेशन को हमने इकट्ठा किया, अगर आप उसको गो थ्रू कर लेंगे लास्ट 10-20 डेज में भी, सो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जीके के सेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जीके के लिए टिप्स वही हैं कि आप प्रैक्टिस डेली करिए, करंट अफेयर्स देखिए और पुराने पेपर्स सॉल्व करिए, मैंने वही बोला जितने पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा। एंड जो भी आपका डिवीजन आप देखिए, अगर आपका पेपर जो है वो सेकंड अगर आप सितंबर अक्टूबर में पेपर देने जाते हैं तो उस केस में आपका जैन टू जुलाई करंट अफेयर्स आता है, अगर आप फरवरी वाला पेपर देते हैं तो आप मई से दिसंबर तक का पढ़ेंगे, यानी लास्ट 6 मंथ एग्जामिनेशन के लास्ट 6 मंथ्स में आपको जो है पेपर की अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी उसके बाद साइड बाई साइड एफकैट के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो स्टेज वन क्लियर करने के लिए हमने स्पेसिफिकली बुक बनाई हुई है, जहाँ पर आपको 100+ पिक्चर्स मिलेंगी PPDT की,
एफकैट के पर्पस के एंट्री के लिए एक बच्चे उस पर आपको 4 स्टोरीज लिखनी है, 400 स्टोरीज आप लिखेंगे 110% आप स्टेज वन क्लियर करके आएंगे। सारे सेंटर्स का डिटेल रिव्यू है, चाहे वो FSB हो SSB हो, उस सेंटर से रिलेटेड क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटर की रिपोर्टिंग, टाइमिंग्स, प्लेस, टूरिज्म्स, बहुत सारे चीज़ डिटेल्ड में वहाँ पे आपको है। FSB में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकली कैरी करने हैं, ऑफिशियल जो अभी लेटेस्ट पैटर्न 2020 से फॉलो हो रहा है क्या क्या है, कैसे कैसे, वो आपको बताया जाएगा, प्लस इंट्रोडक्शन आप में उसको पूरा दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो के लेक्चर्स हैं आपको, जिसमें स्टेज वन क्लियर करने के सारे तरीके हैं, चाहे वो NSP को, FSB को या SSB को। साथ ही आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, प्लस साथ ही SSB की नॉमिनल रेट्स पे क्लासेस हमारी, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत सारे बैचेस में ज्वाइन करा है और उसमें से हमें एटलीस्ट 70-80% जो है क्लियर स्टेज वन उन्होंने क्लियर किया है। जैसे अभी TS एंट्री का बैच किया था, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने जो है वो 20-30 स्टूडेंट्स ने बैच जो स्क्रीनिंग का स्टेज वन था वो क्लियर किया हुआ था। सो आप ये पढ़ते रहिए, बाकी स्टे ट्यून्ड टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। अभी क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं लेक्चर्स डालूंगी फर्दर, सो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा जहाँ पे हम सिर्फ डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करेंगे, पिछले एक साल की जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उसी तरह हम मैथ्स की और इंग्लिश की भी बात करेंगे। पेपर स्टा पैटर्न मैंने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, स्टडी प्रोग्राम, स्टडी शेड्यूल मैंने बता दिया, टिप्स मैंने बता दी। नाउ इट इज़ योर टाइम टू वर्क अकॉर्डिंगली, फॉलो द पैटर्न, सब कुछ छोड़ दीजिए, किसी को फॉलो मत करिए, आपकी अपनी सक्सेस जर्नी होगी, किसी का पाथ मत फॉलो करिए, आप अपना शेड्यूल अपना टाइम टेबल फॉलो करिए, मैं जैसे बता रही हूँ आप वैसे वैसे फॉलो करिए, चेंजेस आपको अपने आप में देखना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी अभी तो लास्ट कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ आपको पुराने पेपर्स ही हेल्प कर सकते हैं। अगर आप पुराने पेपर्स भी सॉल्व करते हैं, आई एम श्योर आप एटलीस्ट लाइक एज ऑफ द कट ऑफ से क्लियर करेंगे, लेकिन आप अपना FCAT का एग्जामिनेशन जरूर क्लियर करेंगे। एंड आई विश एवरीवन ऑल द बेस्ट कि आप सारे अपना एग्जामिनेशन क्लियर करके हमें मैसेज करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।